हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एंड केवाईपी सीरीज। आज केवाईपी सीरीज का 5th एपिसोड है और सडनली बैठे बैठे मैं बुक पढ़ रही थी और मेरे माइंड में आया कि मुझे एक महीने से ज्यादा हो गया है मैंने केवाईपी नहीं किया है, आप लोगों को नॉलेज नहीं दिया है। एंड देन मैंने सोचा क्यों ना मैं बुक बाद में पढ़ लूंगी, पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ और आपको अच्छा वाला नॉलेज देती हूँ। सो आज मैं ब्रेकडाउन करने वाली हूँ लिवॉन हेयर सीरम का। एज यू कैन सी ये इस तरह के बॉक्स में आता है और इसका एमआरपी है 230 रुपीज और इसका क्वांटिटी है 100 ml। ये मैंने नियर अबाउट 10 months पहले खरीदा था, पिछले साल मई मंथ में, और ये अभी भी इतना सा बाकी है। आप देख सकते हो इतना सा बाकी है क्योंकि ये बहुत थोड़ा लगता है बालों में, लेकिन क्या ये सेफ है ये हमें नहीं मालूम है। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये बालों पे कितना सेफ है और इसे लगाना किस तरह होता है। इसे लगाने का सेम बहुत इजी तरीका है, आप शैम्पू करके आते हो, कंडीशनर करके आते हो, अपने हल्के गीले गीले बाल होते हैं उसको सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालने हैं और अपने बालों पर लगा लेना है। लेकिन 2 ड्रॉप्स क्यों डालने हैं ये मैं बताती हूँ इसके इन्ग्रीडियंट्स के ब्रेकडाउन के साथ। सो आज के प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है, 1 इज सिलिकॉन डेराइव्ड एंड 2nd इज एसिडिक। सो सिलिकॉन डेराइव्ड जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें सबसे पहले है साइक्लोपेंटासिलोक्सेन, जो कि बालों को ईज आउट करता है टैंगल से, बालों को सॉफ्ट करता है और ब्रेकेज से बचाता है। ये बेशक ही सिलिकॉन डेराइव्ड है लेकिन ये वाटर सॉल्युबल होने के कारण बालों को इतना ज्यादा हार्म नहीं करता है। सिलिकॉन ये वाला जो है वो हेयर सीरम के साथ साथ बहुत सारे कंडीशनर्स में भी मिलता है जो कि बालों को सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में होता है, स्किन कंडीशनिंग कंपाउंड्स में होता है, बहुत सारी ऐसी चीजों में होता है जो कि स्किन को और बालों को कंडीशन करने में हेल्प करती है। और थोड़ा सा इसका अमाउंट बालों को बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता है, लाइक आप सीरम भी यूज करते हो तो बहुत सारा नहीं करते हो। सो ये एक सेफ इन्ग्रीडियंट है। अब हम बात करते हैं 2nd इन्ग्रीडियंट की। 2nd इन्ग्रीडियंट इज डायमेथिकोनॉल। इट इज अ नॉन वाटर सॉल्यूबल सिलिकॉन डेरिवेटिव। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इट्स एन एंटी फ्रिज सिलिकॉन और ये बालों को ऐसा नेचुरल मॉइस्चर देता है, उनमें से नेचुरल मॉइस्चराइज करता है ताकि बालों का जो फ्रिज है वो चला जाए, जो ह्यूमिडिटी की वजह से फ्रिज है वो चला जाए। तो इस वजह से डायमेथिकोनॉल यूज किया जाता है, लेकिन ये नॉन वाटर सॉल्यूबल है तो इसे जब भी आप लगाओ इस सीरम को मेक श्योर आप अच्छे से वॉश करके, इसे बालों से शैम्पूइंग करके या फिर जो भी आप कंडीशनर वगैरह यूज कर रहे हैं वो अच्छे से शैम्पू करके निकाल लो, वरना ये बालों को थोड़ा हार्म जरूर देगा। इसके बाद हम 3rd सिलिकॉन डेरिवेटिव की बात करते हैं, दैट इज डायफिनाइल डायमेथिकोन, जो कि बालों के लिए एंटी फोमिंग का काम करता है। बहुत सारे कंडीशनर्स देखोगे वो फोम करने लगते हैं, लेकिन इसे सीरम में इसलिए यूज किया जाता है ताकि जब भी आप बालों पे लगाएं पानी के साथ ये मिक्स होकर ये सीरम फोम ना करना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो ये मैंने काफी हद तक यूज कर लिया है, मैंने बताया इसे मैंने नियर अबाउट 10 से 11 महीने पहले खरीदा था, लेकिन मैं इसे ऐसे हिला रही हूं तो वो बहुत ज्यादा फोम नहीं कर रहा है जिस तरह उसे करना चाहिए, या जैसे शैम्पूज फोम करते हैं वैसे फोम नहीं कर रहा है और वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में है। दैट्स वाई इस सिलिकॉन को यूज किया गया है। अगेन ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ये थे हमारे सिलिकॉन डेरिवेटिव कंपाउंड्स जो कि हमारे हेयर सीरम में थे। अब बात करते हैं एसिडिक कैटेगरी की। सो पहला एसिड है C12-15 एल्काइल बेंजोएट। यस, बेंजोइक एसिड एस्टर, जिसे कि बेंजोइक एसिड एस्टर जो होता है उसे बोला जाता है बेंजोइक एसिड प्लस अल्कोहल का मिक्सचर। एंड C12-15 इज अ चेन लेंथ, ये चेन लेंथ होता है एसिड और अल्कोहल के मिक्सचर का। तो इसको प्रोडक्ट में डालने का रीजन क्या है, इसको प्रोडक्ट में डालने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो एमोलिएंट का काम करता है बालों के लिए, मॉइस्चराइजर का काम करता है। एमोलिएंट क्या होते हैं, 1 step इज मॉइस्चराइजेशन, उसके ऊपर आता है हाइड्रेशन, उसके ऊपर आता है एमोलिएशन। तो एमोलिएंट का काम होता है मॉइस्चराइजर और हाइड्रेटर से भी ज्यादा मॉइस्चराइजेशन देना। जो फॉर एग्जाम्पल वैसलिन पेट्रोलियम जली, वो बहुत ज्यादा जिनकी ड्राई स्किन होती है वो लोग यूज करते हैं, दैट इज एमोलिएंट। तो C12-15 एल्काइल बेंजोएट भी एमोलिएंट है और ये बालों को हाइड्रेशन देता है, मॉइस्चराइजेशन देता है। जिनके सुपर ड्राई हेयर है, सुपर फिजी हेयर है, ये उनके लिए डिजाइन है। अब बात करते हैं दूसरे एसिड की, दैट इज टोकोफेराइल एसिटेट।
इसमें मिक्सचर होता है एसिटिक एसिड प्लस टोकोफेरोल का और इसका कॉमन नेम है विटामिन ई. यस, टोकोफेराइल एसिटेट इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई जिसे सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है. और विटामिन ई तो बालों के लिए आप जानते ही हो, एक तरह से वरदान का काम करता है. जिनके शाफ्ट, हेयर शाफ्ट जो वीक होते हैं, अगर वो विटामिन ई अपने ऑयल में ऐड करके लगाएंगे, हेयर शाफ्ट सच में स्ट्रेंथन अप होंगे, आपको हेयर फॉल कम होगा. सो विटामिन ई भी है इसमें. तो ओवरऑल देखा जाए अभी तक तो इसमें हर चीज वो है जो बालों के लिए सूटेबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है. और जो नहीं है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है कि वो आपको नुकसान ना करे. एंड यस, लास्ट इंग्रेडिएंट इज फ्रेग्रेंस, तो वो तो हर किसी में होगा ही होगा, वरना उसको आप पता कैसे चलेगा, क्योंकि बाकी के सारे कंपाउंड जो है वो फ्रेग्रेंस लेस है. और अगर कोई फ्रेग्रेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें समझ में नहीं आएगा कि प्रोडक्ट क्या चीज है. सो बहुत से लोगों का कहना था कि इसमें मिनरल ऑयल होता है या फिर पैराफिन, लिक्विड पैराफिन होता है. ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको इसे बहुत ही थोड़ा अमाउंट में बालों पर लगाना होता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है. आप कोई भी चीज को उसकी लिमिट से ज्यादा लगाओगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, लेकिन वो आपको नुकसान ही करेगी. सो इस प्रोडक्ट को भी आपको सिर्फ 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स जरा सा ही बालों में लगाना है और डेफिनेटली ये आपके बालों के लिए मिरेकल का काम करेगा. ये था मेरा केवाईपी. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा. और केवाईपी आई है तो साथ में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर लाई होगी. आज का क्वेश्चन कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, बस अवेयरनेस के लिए है कि आपने इस नॉलेज को कितना ज्यादा ग्रास्प किया है. और क्वेश्चन है कि टोकोफेराइल एसिटेट का कॉमन नेम क्या है. अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको पहली बार में ही पता लग गया होगा कि आंसर क्या है. आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको अलग से डीएम करने की जरूरत नहीं है, ईमेल करने की जरूरत नहीं है. और कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो. अगर आप चाहते हो मैं किसी और प्रोडक्ट का केवाईपी करूं, या फिर आप चाहते हो मैं आपके सजेस्टेड प्रोडक्ट का केवाईपी करूं, तो बिंदास होके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं डेफिनेटली उस पर केवाईपी लेके आऊंगी. वीडियो पसंद आया, नॉलेज पसंद आया, अवेयरनेस पसंद आई, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ और जितने भी नोन हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो. अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लो. और मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में. टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर.